हेलो ट्वेल्थीज़, कॉन्ग्रेचुलेशन हम लोग सब लोग अब ट्वेल्थ में आ गए और अभी आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक की फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें दो चैप्टर आते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, और अगर ट्वेल्थ की बात करें, ट्वेल्थ से पहले हम लोग इलेवंथ के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ के आए हैं। आई थिंक सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो वहाँ पे जो हमने फोर्सेस पढ़ी थी, उसमें से आई थिंक चार फोर्सेस पढ़ी थी हमने। उसमें सबसे पहली फोर्स हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको आप लोग 11th में ख़त्म करके आ गए हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने ग्रेविटेशन को पूरा डिटेल में पढ़ा। उसके बाद आते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भी पढ़ के आए हो 11th के अंदर। हालांकि आप लोगों को स्पेसिफिकली बताया नहीं गया था कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में ऑफकोर्स 11th में वहाँ पर बात नहीं करी जाती। उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्सेस की बात की थी, आई थिंक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये दोनों जो स्ट्रांग और वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं, इसकी कुछ बात आपने करी थी। तो ग्रेविटेशन फोर्स हमने 11th में पढ़ लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमें नहीं आती। और न्यूक्लियर फोर्स भी ज़्यादा हम लोग नहीं जानते, काफ़ी कम अंदाज़ा है हमें। तो ट्वेल्थ के अंदर हम सारी बातें करने वाले हैं। एक तो यहाँ पे मोस्टली सबसे ज़्यादा बात जो हम करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज की बात करेंगे, कैसे ओरिजिनेट हुई, क्या उनका रोल है, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। और उसके बाद हम कुछ यहाँ पे बात न्यूक्लियर फोर्सेस की भी करते हैं। तो साथ यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को आप यहाँ पे जानोगे, ऑफ कोर्स सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे नहीं आएंगे, बेसिक जैसे जैसे आपका हिस्ट्री में हम लोग आगे बढ़े थे, प्रोसीड कर रहे थे, उसी तरीके से ट्वेल्थ में भी हम प्रोसीड करेंगे, एक एक टर्म से बढ़ते हुए पूरा टॉपिक समझेंगे। तो सबसे पहले टर्म जो आती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म्स, अब इसका मतलब देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैं कोई अपने मन से डेफिनेशन नहीं देने वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस तरीके से डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस और मैटर एक्वायरिंग स्टैटिक चार्ज। तो इसको समझना ज़रूरी है। तो पहले तो अगर इंग्लिश के सिंपली हिंदी बताएं, तो ये आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसमें फोर्सेस की बात करने वाले हैं, फील्ड्स की बात करेंगे और पोटेंशियल्स की बात करेंगे। और ये फोर्सेस, फील्ड और पोटेंशियल कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिन ऑब्जेक्ट के पास स्टैटिक चार्ज है। तो ऑफकोर्स अभी हम लोगों को इसका बेसिक आइडिया नहीं है, क्योंकि ना तो हम लोग जानते हैं कि कौन सी फोर्सेज की बात कर रही है यहाँ पर, फील्ड्स का तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है, पोटेंशियल का भी हमें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। अगर सिर्फ ये डेफिनेशन की बात करें कि ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा पाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इससे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में नहीं आएगा। कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे आपके पास स्टैटिक और चार्ज टर्म आ रही है। तो आई थिंक स्टैटिक का मतलब हम लोग जानते हैं, स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। और अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज को भी हम लोग जानते हैं, जैसे हमने सुना है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ नॉट इनफ। तो अभी ट्वेल्थ में जो सबसे पहली डेफिनेशन आपको दी गई है, इसे हम लोग नहीं समझ पा रहे। इसको समझने के लिए पहले ये सभी टर्म्स पता होनी चाहिए, और ये सभी टर्म्स को समझना 5 मिनट का काम नहीं है। ये आपकी पहले 2 चैप्टर की जर्नी है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में यही पढ़ने वाले हम। फोर्सेज की बात करने वाले, फील्ड की बात करने वाले, इन दोनों की एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर में बात होगी, और पोटेंशियल की बात करने वाले जो कि हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब तक हम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में एक एक करके इन सभी टर्म्स को नहीं पढ़ लेते, तब तक इस डेफिनेशन का हमारे लिए कोई सेंस नहीं है। तो फिलहाल इस डेफिनेशन पर बिल्कुल फोकस मत करना, ये हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन हाँ, इसने आपको पॉइंट कर दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। नाउ वी जस्ट नो दी टर्म्स जो हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। और ये सारी टर्म स्टडी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसका मीनिंग हम लोगों को आना चाहिए, दैट इज दिस चार्ज। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग चार्ज को जानते हैं, वे चार्ज से मिले तो हम लोग 9th क्लास में 10th क्लास में और 11th क्लास में, तो खैर ज़्यादा चार्ज की बात नहीं, लेकिन 9th 10th में मिले हैं उससे,
ट्वेल्थ में भी आपको सिर्फ मिलना नहीं है उससे, उसको आपको अपना दोस्त बनाना, उसको आपको अच्छे से जानना। तो अब इसको दोस्त बनाने के लिए हमारे पास एक पहले से, मैं आपको एक और टर्म देता हूँ, एक दोस्त हमारा है उसकी हेल्प लेंगे इसको चार्ज को अपना दोस्त बनाने के लिए। तो चार्ज को अगर समझना है, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्टडी दैट इज मास। अब आप सोचेंगे भाई मास का चार्ज से क्या मतलब, थोड़ी देर में आपको रिलेशन समझ में आएगा, लेकिन जस्ट बी विद मी। सबसे पहले मास की बात करते हैं, तो इफ़ आई वॉन्ट टू डिफाइन वट इज़ मास, कोई वैसे एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन अगर अपने आप से आप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें कि मास क्या होता है, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करो, सोचो मास क्या होता है, और फिर जब रिप्ले करोगे तो मैं बताता हूँ। तो मास क्या हमारे लिए, कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर इस तरीके से आया होगा, मास इज़ द टोटल कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या शायद ऐसा भी आंसर आएगा मास इज़ द प्रॉपर्टी, मास इज़ अ टेंडेंसी जिसको आप लोग इनर्शिया कहते हैं, तो वही बच्चों ने इनर्शिया बताया होगा। ठीक है, आप में से किसी का भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ज की बात, टोटल अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ मास की, तो ये बेसिक डेफिनेशन नहीं है मास की। बेसिकली मास होता क्या है, व्हाट इज़ मास, अगर हम ये डिफाइन करने की कोशिश करें तो उसको मैं डिफाइन करने जाता हूँ। तो मास को अगर डिफाइन करें तो कुछ ऐसे डिफाइन किया उसने, उसने बोला मास इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशन फोर्स। जी हाँ, ये डेफिनेशन है मास की, लेकिन इसका मतलब क्या है एक्चुअली। जब मास की बात आई तो क्या हम लोग मास को देख सकते हैं, आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, क्या उस ऑब्जेक्ट में आपको मास नज़र में आता है? तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट में आपको, अगर आप एक सोफे को देख रहे हो तो सोफे में आपको मास नज़र नहीं आएगा, सोफा नज़र आएगा आपको, यू विल नॉट सी एनी मास। तो हम लोगों ने मास को डिफाइन कैसे करा, सबसे पहले हम लोगों ने मास को नहीं देखा, सबसे पहले हमने चीज़ देखी वो ये देखा हमने कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय अर्थ, अर्थ उनको अट्रैक्ट करती है, और जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज़ जो फील हुई, जो ऑब्जर्व करी हम लोगों ने, दैट इज़ नॉट मास, दैट इज़ द ग्रेविटेशन फोर्स। तो अभी क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट हमने बोला कि एक दूसरे के पास में रखे हों, तो उस केस में एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, जैसे हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। तो क्वेश्चन कम्स, ठीक है, अगर हम सब एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं, तो एक बच्चे का क्वेश्चन आता मेरे पास, सर क्यों दो ऑब्जेक्ट दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगाते हैं? तो उस बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अर्थ जो है वो मुझ पर ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगा रहा है? तो मैंने उसको बोला भाई देखो ऐसा ही होता है, लगाता है ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ तुम्हारे ऊपर, क्या मेरे ऊपर भी लगाता है? कह रहा नहीं सर बताओ अर्थ मेरे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स क्यों लगा रहा है? तो अब मैं उसको आंसर क्या करूँ, मैंने उसको आंसर करा कि भैया भगवान ने आपको बनाया ऐसा, भगवान ने आपको अर्थ को बनाया इस तरीके से कि आप एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाओगे। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपको और अर्थ को दोनों के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हमने बोला मास। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स के जरिए, ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए हम लोगों ने डिफाइन करा कि मास क्या होता है। तो जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पर जब ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे, तो आपको ये बात बोलनी पड़ेगी कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों के पास एक प्रॉपर्टी है जो कि इनको भगवान ने दी है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मास, इस प्रॉपर्टी को मास कहा जाता है। नाउ मास को हम लोगों ने समझा, ठीक है, मास की अगर थोड़ी सी और बात करें तो हम लोग आई थिंक हम एटम को जानते हैं। तो अगर एटम की बात करें तो एटम जनरली स्फेरिकल एज्यूम किया जाता है, जिसमें बीच में आपका न्यूक्लियस है, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर दो प्रकार के प्राणी हैं आपके पास, एक है आपके पास न्यूट्रॉन्स, अदर आर प्रोटॉन्स, और आसपास बाहर बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इन सब के पास भी आप देखोगे ये प्रॉपर्टी है, यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन के पास, दे ऑल हैव मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, मास ऑफ प्रोटॉन
It is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg. And mass of neutron, lagbag, 1.67 into 10 ki power minus 27 kg. Now important note here, मैंने यहाँ पे प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों का मास लिखा है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 के जी, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रॉन का मास जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, बट जो हम लोग मैक्रोस्कोपिकली बात करते हैं उसमें हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बराबर मान सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 के जी, जिसको कई बार आप लोग 1U भी कह देते हो। तो ये हम लोगों को मासेस जो मैंने लिखे हैं, आई होप आप लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि मासेस ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको दिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपके स्कूल के अंदर आपको ये मासेस ना दिए जाएं, यू हैव टू रिमेंबर दीज मासेस। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पे मास की बात करी, नाउ बैक टू द टॉपिक, मास की हम लोगों ने बात करी, लेकिन मास हमारा यहाँ पे मुद्दा नहीं था, मुद्दा हमारा यहाँ पे था चार्ज को समझना। अभी ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज को समझने के लिए मैंने क्या करा, कुछ एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमें टोटल अंडरस्टैंडिंग देंगे चार्ज के बारे में। तो कोशिश करना इन एक्सपेरिमेंट्स को सोचने की, और कोई वैसे प्रैक्टिकली नहीं करने आपको ये एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स आपको हमें थोड़ा सा इनसाइट देंगे कि किस तरीके से चार्ज के बारे में हम लोगों ने जाना होगा। ओके, तो हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात करने वाले हैं, और इसके बेसिस हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपका चार्ज क्या होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स की बात करी और मास को समझा कि मास क्या होता है, और मास की अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए आती है। तो अभी हम लोग सबसे पहले केस की बात करते हैं, केस नंबर वन। तो लेट मी यूज ब्लैक पेन। केस नंबर वन, तो अभी हम लोग सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स को जानते हैं और किसी फोर्स को नहीं जानते हम। अगर हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिए, टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट ए, दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन्स इज 1 सेंटीमीटर। अगर मैं देखना चाहूँ कि इनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो उसके लिए हमारे को न्यूटन बाबा ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज जी एम वन एम टू डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वैल्यू ऑफ जी 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय एम वन। नाउ फर्स्ट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय एम टू, दैट इज ऑल्सो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेम मास लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इस केस में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर को मीटर्स में प्लेस करेंगे हम लोग, मीटर्स में हो जाएगा 0.01 मीटर्स स्क्वायर। तो कैलकुलेशन काफ़ी खतरनाक सी है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करके आपको कुछ इस टाइप का आंसर मिलने वाला है, 5.5 लगभग इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन्स। तो ये तो न्यूटन के फॉर्मूला से हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू निकाली, यानी ये जो हमने काम करा है थ्योरेटिकल काम करा है। थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, और इस फोर्स का नेचर होना चाहिए अट्रैक्टिव, दे शुड एक्सपीरियंस अन अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। तो जब रियलिटी में ऐसा किया गया, रियलिटी में दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने रखा 1 सेंटीमीटर दूर, उस केस में उनके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करी, उस केस में हमने देखा जो फोर्स एक्ट करी है दैट इज नॉट इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन। फोर्स की जो वैल्यू आती है एक्चुअली इट केम आउट टू बी 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 न्यूटन। तो भी क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से मैच क्यों नहीं कर रही। बल्कि अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। अगर आप 10 की पावर ही नोटिस करूँ, ये 10 की पावर माइनस 67 और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन है, तो लगभग फोर्स 10 रेज़ टू द पावर 43 टाइम्स ज़्यादा आ रही है एक्चुअल में एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स। यानी ग्रेविटेशन फोर्स से करोड़ों और कई बार ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे, उतनी ज़्यादा फोर्स है ये एक्चुअल में। और उससे भी बड़ी बात एक निकल के आई, वो ये
कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है. लेकिन हमने रियलिटी में देखा कि जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक्ट कर रही है, दैट वाज रिपल्सिव. तो ये काफ़ी हैरानगी वाली बात है और हमें लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स को जानते हैं तो उस केस में फोर्सेस का नेचर अट्रैक्टिव होना चाहिए था, वो भी नहीं आ रहा. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी नहीं आ रहा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो रियलिटी थोड़ी सी अलग है. तो रियलिटी अलग क्यों है, इसका आंसर अगर हम देना चाहें तो उसके लिए एक केस और देखने वाले हम लोग. तो फिलहाल इस केस को दिमाग में रखेंगे, हालांकि अभी हमने इस केस से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला, अभी हमने ये डिस्कस नहीं करा कि रियलिटी में ऐसा क्यों हो रहा है. फिर हमने क्या करा, इसी तरीके से दो प्रोटॉन्स लिए एंड दे आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और इनको भी 1 सेंटीमीटर दूर रखा. तो ये रहा हमारा पहला प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, इनको भी 1 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं. तो इस बार भी हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है इन दोनों के पास मास होता है, प्रोटॉन हैज़ मास. तो अभी हमने पीछे देखी थी प्रोटॉन के मास की वैल्यू 1.67 × 10⁻²⁷ kg. इस केस में भी जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज gm1m2/r², द ओनली डिफरेंस विल बी जो मासेज हैं दोनों, दे विल बी मासेज ऑफ प्रोटॉन्स. तो जब ये वैल्यूज आप प्लेस करोगे प्रोटॉन के मासेस की, विच इज दिस वैल्यू, तो हमें आंसर जो यहाँ मिलने वाला है कुछ इस टाइप का मिलने वाला है, 1.8 × 10⁻⁶ N. तो अगेन कुछ वैल्यू है हमारे पास, एंड द नेचर ऑफ दिस फोर्स शुड ऑल्सो बी अट्रैक्टिव. नेचर यहाँ भी अट्रैक्टिव होना चाहिए. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रियलिटी की, कि रियलिटी में क्या होता है. रियलिटी में जब 2 प्रोटॉन्स को 1 सेंटीमीटर दूर रखा गया, तो उस केस में जो एक्चुअल फोर्स निकल के आया, जी हाँ, 2 प्रोटॉन्स के बीच में भी जो एक्चुअल फोर्स निकल के आया, दैट वॉज 2.3 × 10⁻²⁴ N, एंड इट वॉज ऑल्सो रिपल्सिव इन नेचर. सो द क्वेश्चन कम्स कि सर जो फोर्स हैं, हम जो उनकी थ्योरेटिकल वैल्यूज निकाल रहे हैं, चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोगों ने निकाली हो, चाहे दोनों प्रोटॉन के केस में निकाली हो, वो हम लोगों ने न्यूटन के फॉर्मूला से फाइंड आउट करी. लेकिन एक्चुअल में जब हम लोगों ने मेजर करी फोर्स की वैल्यू, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे आर कमिंग आउट टू बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फोर्सेज दैट शुड बी अप्लाइड ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर एक्चुअल फोर्स की वैल्यू अलग क्यों आ रही है. तो इसका एक सिंपल सा आंसर है जो हम लोग सोच सकते हैं, कि सर एक्चुअल में फोर्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब ये, और नेचर भी डिफरेंट आ रहा है रिपल्सिव, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे और दोनों प्रोटॉन्स पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू मास, लेकिन रियलिटी में उनके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा और कोई फोर्स भी एक्ट कर रहा है, और इस फोर्स की वजह से यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स. इसका मतलब ये हुआ कि हम हिस्ट्री में उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक बात डिस्कवर करी, वो बात ये कि आपका नेचर में जब इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को रखा है हमने, तो इन पे ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रही है. तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स एक्ट कर रही है, उसका वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूले से नहीं निकाल पा रहे, और इस तरीके से 2 प्रोटॉन्स के लिए भी हम ग्रेविटेशन फोर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे. इसका सिंपली मतलब है कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक और फोर्स एक्ट कर रही है, और इसी तरीके से दोनों प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स की जगह एक और फोर्स एक्ट कर रही है. अब इस फोर्स को कुछ नाम देना था, तो लोगों ने क्या करा, इस फोर्स को नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फोर्स. तो हम लोगों ने बोला, एक टर्म दिया आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको हम आगे डिफाइन भी करेंगे, लिखेंगे भी यहाँ पे, लेकिन अगर सिंपली अभी सुने उसको, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज द फोर्स विच इज विच एक्ट्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, 2 प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. तो कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जरूरी है दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों प्रोटॉन होने चाहिए, तो उसकी बात हम अभी आगे करेंगे. लेकिन दो केसेस के जरिए मुझे इतना समझ में आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने रखे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा वहां पे एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक और फोर्स एक्ट करने वाली है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. और अगर 2 प्रोटॉन्स हमने रखे हैं, तो यहां भी ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक और फोर्स एक्ट करने वाली है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स.
तो अभी हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, हमें बस ये पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने रख दिए तो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, दो प्रोटॉन्स आपने दूसरे के पास रख दिए तो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। तो अभी उसकी बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो केसेस देखे और दोनों केसेस में हम लोगों ने बात करी, एक तीसरा केस और देखते हैं थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, केस थर्ड। थर्ड केस के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर हम लोग एक प्रोटॉन ले लें और एक न्यूट्रॉन ले लें, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ले लें, अगर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो मेरे पास एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अगेन उनके बीच में जो डिस्टेंस हम लोगों ने लिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर। और अगर इनके बीच में देखें फोर्स कितना एक्ट करना चाहिए थ्योरेटिकली, यानी अगर सिर्फ मास की बात करी जाए तो मास की वजह से एक दूसरे पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे, उस ग्रेविटेशन फोर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इस फॉर्मूले से मिलेगी, जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और अगेन वैल्यूज अगर हम प्लेस करें और आंसर फाइंड आउट करें तो इसका आंसर आप देखो लगभग लगभग कुछ ऐसा आने वाला है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं नो प्रॉब्लम, इसके आसपास ही आंसर मिलेगा। और अगेन नेचर जो आना चाहिए दैट शुड बी अट्रैक्टिव। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि प्रैक्टिकली क्या हुआ, यानी रियलिटी में क्या हुआ, क्या रियलिटी में भी इतना ही फोर्स एक्ट कर रहा था इनके बीच में। तो हम लोगों ने देखा रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, रियलिटी में या एक्चुअली में इन्होंने एक दूसरे पे जो फोर्स लगाया था दैट वाज इक्वल टू 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन। और इस बार नेचर जो हम लोगों ने देखा तो पिछले दो केसेस में वैल्यू तो यही आ रही थी, लेकिन नेचर जो आ रहा था दैट वाज रिपल्सिव, लेकिन इस बार नेचर आया अट्रैक्टिव। तो हमने तीन केसेस देखे, तीनों केस में हमने देखा कि प्रैक्टिकली कुछ अलग चीज़ आ रही है, जबकि हम जो एज्यूम कर रहे थे न्यूटन फॉर्मूला से या न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ से उससे जो हम फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं वो सही नहीं आ रही, एक्चुअल में वैल्यू डिफरेंट आ रही है बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो अब इन तीन केसेज में हमने देखा कि पहले दो केसेज में तो फोर्स रिपल्सिव थी, लेकिन तीसरे केस में जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स अट्रैक्टिव है। तो आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई ये सर ये फोर्स तो हमें यहाँ समझ में आता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स की वैल्यू डिफरेंट क्यों आ रही है, जो हमने पिछले दो केसेस से सीखा वो ये कि सर अभी यहाँ पे एक्चुअल में इनके बीच में हम एज्यूम कर रहे थे सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल पाते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा एक और फोर्स एक्ट कर रहा है एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि एक और दूसरी फोर्स है जिसके लिए भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन इस बार अट्रैक्टिव क्यों आ रहा है तो इसकी बात भी हम करेंगे आगे भी। एक चौथा केस, केस फोर्स, सिंपल केस, टू न्यूट्रॉन्स प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, दो न्यूट्रॉन्स को 1 सेंटीमीटर दूर रखा। तो ये रहा न्यूट्रॉन नंबर वन, ये रहा न्यूट्रॉन नंबर टू, और न्यूट्रॉन का मास भी हम लोग जानते हैं। तो अगर थ्योरेटिकली देखें, लेकिन सॉरी, दे आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखें इनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू एड करनी चाहिए दैट इज जी m1 m2 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज अराउंड समथिंग लाइक दिस 1.86 × 10⁻¹⁶ न्यूटन। एंड ये वैल्यूज बड़ी खतरनाक खतरनाक लग रही होंगी आपको, लेकिन ये फोर्स की वैल्यू फॉर्चुनेटली आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जो भी वैल्यूज मैंने सारी यहाँ पे बताई हैं कोई भी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी वैल्यूज अभी आपको सिर्फ इसलिए बताएगी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमें सिर्फ ये देखना है कौन सी फोर्स बड़ी है कौन सी फोर्स कम है, एक्चुअल में वैल्यू फोर्स की बहुत ज़्यादा आ रही है और थ्योरेटिकली हम जो एज्यूम कर रहे थे वो काफ़ी कम थी। इस केस में जब प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा, ये रियलिटी में देखें तो जो एक्चुअल में फोर्स एक्ट कर रही थी दो न्यूट्रॉन्स के बीच में दैट वाज इक्वल टू 1.86 × 10⁻¹⁶ न्यूटन, राइट। यानी इस केस में आप देख सकते हो जो ग्रेविटेशन फोर्स है और जो एक्चुअल में फोर्स एक्ट कर रही है दे आर इक्वल, यानी इस केस में न्यूट्रॉन्स के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है,
सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड बिल्कुल वही आ रहा है यहाँ पे एक्चुअल में भी, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स का होना चाहिए था. एंड ऑफ कोर्स द नेचर वाज आल्सो सेम, अट्रैक्टिव फोर्स. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी अभी तक यहाँ पे वो कि जो हमने सबसे पहला केस देखा था जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे थे 1 सेंटीमीटर दूर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही थी, इसलिए वहाँ पे एक्चुअल में मैग्नीट्यूड और नेचर डिफरेंट आ रहा था. सेकेंड केस में जब दो प्रोटॉन्स लिए थे वहाँ भी आपका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में डिफरेंट आ रहा था, तो वहाँ भी हमारी दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही थी. जब एक प्रोटॉन भी लिया एक इलेक्ट्रॉन भी लिया उस केस में भी मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है, यानी यहाँ भी इन दोनों के बीच में एक और फोर्स एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स. लेकिन दो न्यूट्रॉन्स के बीच में आप जो एज्यूम कर रहे थे वैल्यू आनी चाहिए थी फोर्स की, एक्चुअल में वही वैल्यू आ रही है. तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही, नो इलेक्ट्रिक फोर्स. तो चारों एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, अब जरा मैं इनसे कॉन्क्लूजन्स निकालता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या सीख सकते हैं इससे, या इससे क्या क्या हम सोच सकते हैं. तो जो पहला कॉन्क्लूजन आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में. तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन्स को एक दूसरे के पास में रखोगे तो उस केस में वो एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, नई फोर्स, जिस फोर्स को हम बिल्कुल नहीं जानते. इस फोर्स को हमने अभी अभी डिस्कवर करा है जस्ट नाउ, एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दिस फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स. सो इलेक्ट्रिक फोर्स डिफाइन कर देते हैं. द फोर्स दैट एक्ट्स अपॉन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. नाउ ऑफ कोर्स दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन, इसको कंप्लीट किया जा सकता है लेकिन उसके लिए हमारे पास सारे टूल्स नहीं है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे. तो अभी हमें एक टर्म मिली इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इसके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि आपका जो प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के पास जब रखे देंगे इनको, उस केस में एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे, या एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे. नाउ द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आता है आपका कि सर एक बच्चा जो मुझसे पूछता है कह रहा सर क्यों इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, पहले हमारी दुनिया में कम दुख दर्द नहीं थे, आप एक दर्द और क्यों लेके आ रहे हो. तो अब इसका क्वेश्चन ये आता है कि सर क्यों दो इलेक्ट्रॉन्स या दो प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया जाए, तो मैंने इस क्वेश्चन का उसको आंसर कर, मैंने कहा देखो भाई लगाते हैं, होता है बस नेचर में ऐसा कर, नहीं सर फिर भी क्यों होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं. तो मुझे बोलना पड़ा उसको, मुझे बोलना पड़ा कि भगवान ने इनको बनाई ऐसे, भगवान ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बनाया इस तरीके से है कि ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे. नाउ क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये कि भगवान ने इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को एक ऐसी प्रॉपर्टी दी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करते हैं. तो अभी इस प्रॉपर्टी का कुछ नाम देना था, तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज. तो अभी हमने चार्ज क्या डिफाइन करा, हमने बोला कि हमें सबसे पहले क्या नजर आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भगवान ने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को एक प्रॉपर्टी दी है, एंड दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को कुछ नाम तो देना पड़ेगा, और इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज. तो चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन चार्ज, लेट अस ट्राई टू डिफाइन चार्ज. तो चार्ज को डिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग. चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच दी मैटर, और मैं थोड़ा सिंपल हो जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अभी तो इतना ही जानते हैं हम लोग, अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपको दो पार्टिकल्स ऐसा लिखें कि एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके इसमें आप फटाक से एक बात बोल सकते हो
कि सर इन पार्टिकल्स के पास चार्ज है, इन प्रॉपर्टी पार्टिकल्स का चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है। नाउ वी नो द अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कम से कम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली हम लोगों को, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स जो हमने पीछे भी करे हैं उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि चार्ज से थोड़े से और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें, सेकंड कंक्लूजन, हम लोगों ने फिलहाल ये देखा आपका कि इलेक्ट्रिक फोर्स नाम की चीज़ होती है। दूसरी बात हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स हमने बात समझाई कि चार्ज क्या होता है। अब हम एक और बात करने वाले, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि हर एक केस में चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, चाहे दोनों प्रोटॉन्स थे या एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन था, सभी केसेस में जो एक्चुअल में फोर्स की वैल्यू आ रही थी वो सेम आ रही थी, 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन। तो हर एक केस में फोर्स केवल इक्वल आ रही है। इससे शायद मैं एक और बात सोच सकता हूँ, इससे मुझे समझ में आता है कि सर इलेक्ट्रॉन्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी फोर्स उतनी लग रही है, दोनों प्रोटॉन्स हैं तब भी फोर्स उतनी लग रही है, दोनों ही केस में फोर्स बराबर लग रही है। तो ऐसे केस में मैं सोच सकता हूँ कि जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं यानी चार्ज, शायद दोनों के पास चार्ज नाम की प्रॉपर्टी भी बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम चार्ज डिफाइन कितना है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे बताना चाहें, कितना प्रोटॉन पे ये बताना चाहें, तो कम से कम इतना कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होना चाहिए। अब यहाँ जो हमने शुरुआत में देखे दोनों पॉइंट्स, इससे छोटी सी हमारे दिमाग में गड़बड़ आ जाती है। जैसे कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये कि सर हम लोगों ने ये बोला कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स के बजाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि ग्रेविटेशन फोर्स की बजाय इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है, मैंने हर बार ये बोला कि ग्रेविटेशन फोर्स के साथ यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपका ग्रेविटेशन फोर्स से। तो ये जो बात हमने सीखी आपका दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोगों ने रखे थे या दो प्रोटॉन्स भी रखे थे, व्हेन देयर वर टू प्रोटॉन्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट, तो उस समय ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू जो आ रही थी हमारे पास, दैट केम आउट टू बी 1.86 × 10⁻²⁻¹⁰ न्यूटन। एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्चुअल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स वी कैन कॉल इट, एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही थी वो कुछ इस तरीके से आ रही थी 2.3 × 10⁻²⁴ न्यूटन। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू दैट इज अ टोटल वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ा है कि ग्रेविटेशन फोर्स है दैट इज नेग्लिजिबल। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से कि हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स को निग्लेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन्स पे एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इस केस में हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बहुत छोटी होने की वजह से उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, और हम ये ज़ूम कर सकते हैं आपका कि जो सारी की सारी टोटल फोर्स जो एक्ट कर रही है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है एंड रिपल्सिव। तो मैं रिपीट करता हूँ इस बात को, हम लोगों ने ये बात करी अभी कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, आपका चार्ज क्या होता है, फिर हमने बात की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर है, और जब हम लोगों ने फोर्सेस की बात करी थी तो फोर्स जो एक्ट कर रही थी वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रही है दोनों प्रोटॉन्स में, बल्कि सभी केसेस में, और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ज़्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स है कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स को देख के ग्रेविटेशन फोर्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स को हमने टोटली निग्लेक्ट कर दिया, और ये वैल्यू जो हमने ज्यूम कर ली है नेट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ अनदर थिंग, तो अभी हमने जब बात की इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है प्रोटॉन पे चार्ज है, तो बचपन में हम लोग जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज की बात करते थे तो कई बार ऐसे ज़ूम कर लेते थे कि एक पे नेगेटिव चार्ज है कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल क्या है जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो जब मैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करता हूँ तो मुझे अभी तक ये समझ में आया कि सर कि दो टाइप के चार्जेस होने चाहिए, और कौन से दो टाइप के चार्ज, एक अपना इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज और एक अपना प्रोटॉन वाला चार्ज। तो पहला चार्ज जो है टाइप, क्योंकि ये दो ही चीज़ें जिनके पास मैंने देखा चार्ज होता है, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और दूसरा चार्ज प्रोटॉन पे,
तो मेरे को पता है दो टाइप के ही हैं चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज और एक प्रोटॉन वाला चार्ज। लेकिन अभी हमने क्या करा, जब इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज की बात करी, प्रोटॉन वाले चार्ज की बात करी, हमें अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिफाइन करना चाहें, इसकी वैल्यू डिफाइन करना चाहें, तो सबसे पहले हम लोगों को यूनिट की ज़रूरत है एक। तो जो यूनिट हमने यूज़ करी है चार्ज के लिए, यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलम्स, इसको शॉर्ट में आप लोग सी लिख सकते हैं। और मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, 1 कूलम इज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो कई बार आप देखोगे आपको चार्ज शायद कूलम्स में ना दिया जाए बल्कि बाकी क्वांटिटीज में दिया जाए, तो कई बार आपको चार्ज माइक्रो कूलम्स में देखने को मिल सकता है, या फिर नैनो कूलम्स में देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोगों को पीको कूलम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, कूलम वही यूनिट है आपके। तो अभी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ यहाँ पे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन पे बताना चाहें, प्रोटॉन पे बताना चाहें कितना चार्ज है, ये तो पता है इक्वल है, लेकिन अगर वैल्यू बताना चाहें, और इस चैप्टर में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज के लिए जो हम डिनोट करने के लिए लेटर यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ क्यू, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो क्यू ई लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। थोड़े आगे जाके आपको ये पता चलेगा कि वैल्यू कैसे निकाली गई, लेकिन फिलहाल इस वैल्यू को याद करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर प्रोटॉन पे चार्ज देखना चाहें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू भी इतनी, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। अभी हुआ क्या, पिक्चर में आते हैं एक और करेक्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला आके, तो हम लोगों को ये तो पता था दोनों के पास चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास बराबर है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आके बोला, भैया ऐसा है, हम एक चार्ज को दोनों में से, किसी एक चार्ज को नेगेटिव मानेंगे, किसी एक को पॉजिटिव मानेंगे। और उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव मान लिया और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव मान लिया। ना क्वेश्चन कम्स कि सर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों माना, पहली बात तो ये आती है। तो मैथ्स में जब नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तब इस्तेमाल होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं, नेगेटिव टर्म जो होती है पॉजिटिव टर्म को कैंसिल आउट करती है। तो यहाँ भी क्या करा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑब्जर्व किया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के साथ रखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक प्रोटॉन के चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इफेक्ट प्रोटॉन के चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करता है, इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला भी एक काम करते हैं, एक को पॉजिटिव मान लेते हैं, एक को नेगेटिव। तो अभी किसी को भी नेगेटिव मान सकता था वो, किसी को भी पॉजिटिव मान सकता था, लेकिन उसने चूज करा इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव लेना, प्रोटॉन को पॉजिटिव देना। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज़ है, प्रोटॉन पॉजिटिव चीज़ है, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि नेगेटिव मतलब खराब और पॉजिटिव मतलब बढ़िया, या ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा भी कर सकता था कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव लेता और प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव लेता, तब भी हमारे फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि उस समय हमें फायदा ही मिलता। उस केस में हमारे फिजिक्स में जो एक दिक्कत आती है, करंट चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे वहां पता चलेगा आपको, ये वो दिक्कत हमें ना आती। लेकिन अभी जो हो चुका वो हो चुका, और उसने आर्बिट्रेरली ये एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम नेगेटिव एज्यूम करेंगे, प्रोटॉन को पॉजिटिव। एक को नेगेटिव किसी को भी मान सकता था, किसी को भी पॉजिटिव मान सकता था, लेकिन हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। तो अभी इसके अलावा एक छोटी सी बात और, वो ये कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। आई थिंक इतनी बात हम लोग खुद सोच पाएंगे। जो हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देखा था, या केस नंबर 4 देखा था, उस केस से मैं अंदाजा लग गया कि सर वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं थी, तो चार्ज नाम की प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। तो फिलहाल तक जो मोटे मोटे तौर पर हम लोगों ने सीखा है, वो ये सीखा है कि जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है, तो उसके पास मास नाम की एक प्रॉपर्टी है, और वो मास कितना है, जी हाँ बिल्कुल इतना। और इलेक्ट्रॉन के पास एक और प्रॉपर्टी है, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी भी है, विच इज दिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। तो दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, एंड दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो एक और प्रॉपर्टी है उसके पास, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग बात करें इसके बाद प्रोटॉन की,
तो प्रोटॉन के पास भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मास नाम की प्रॉपर्टी है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के जी, और दूसरी चार्ज नाम की प्रॉपर्टी है। आई थिंक इस बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मास की प्रॉपर्टी क्यों है क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और चार्ज की प्रॉपर्टी क्यों है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि आपका चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज किस किस के पास होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास। अभी आपको ये देखना है कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास ही चार्ज है तो क्या वाकई हमें इतना डेप्थ में जाके चार्ज को स्टडी करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको ये बात बता दूँ, जब हम लोग बात करते हैं आपके एटम की, वी नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अगर एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, तो एटम के पास भी चार्ज है, एटम ऑल्सो हैज चार्ज, तो इट हैज चार्ज, सो एटम इट ऑल्सो हैज सम चार्ज। और अगर एटम के पास चार्ज है तो जितनी भी चीज़ें एटम से बनी होगी उन सबके पास चार्ज होगा, यानी मैटर, जो भी आपका मैटर है उसके पास भी चार्ज होगा। तो कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज है, और ये दोनों होते हैं आपके एटम के अंदर, तो एटम के पास भी चार्ज है, और जो भी चीज़ें एटम से बनेंगी, यानी मैं, आप और आपके आसपास जितनी भी चीज़ें रखी हैं, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, सब कुछ जो कि एटम से बना हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव चार्ज, सबके पास चार्ज है। दो आप चार्ज से घिरे पड़े हो, बल्कि आप चार्ज से बने हुए हो, जो भी आप एटम है आपके अंदर उसमें जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है डेफिनेटली उनके पास चार्ज है। तो छोटा सा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में आता है, कन्फ्यूजन ये कि सर अगर वाकई ऐसा है तो उस केस में हम सब एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उस केस में भी चलते रस्ते रस्ते में जा रहे थे, साथ में से आपका एक ट्रक निकला और ट्रक से जाके चिपक गए, या ट्रक ने आपको रिपेल कर दिया। तो द क्वेश्चन कम्स कि सर यहाँ पे हम सब एक दूसरे पे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों नहीं लगा रहे, या अगर लगा रहे हैं तो किस तरीके से लगा रहे हैं, उसको हम जानना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक छोटी सी बात जाते हुए मैं लास्ट में बता दूँ आपको, वो ये शायद हम लोगों को पता है बात कि सिमिलर चार्जेस रिपेल, या लाइक चार्जेस बोलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल। आई थिंक ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट केस देखा था दो इलेक्ट्रॉन्स में, वहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सेकेंड केस देखा था जहाँ दोनों प्रोटॉन्स थे, सिमिलर थे, अगेन देवर रिपेलिंग इच अदर, लेकिन जो ऑपोजिट चार्जेस थे, जो कि केस थ्री में हमने देखे थे, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, दे अट्रैक्ट इच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे, और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है, इफ एवरी ऑब्जेक्ट हैज चार्ज, अगर हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, देन वाई ऑब्जेक्ट्स डोंट सीम टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों को मिलेगा, तो अभी खुद सोचेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे बेसिक क्लास थी, इसमें हमें चार्ज की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, और वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट बुक पूरी की पूरी आपस में लिंक्ड है, और अगर सारे चैप्टर लिंक्ड हैं, और ये सारे चैप्टर का लिंक स्टार्ट जो होता है, जो फर्स्ट चेन का यहाँ पे फर्स्ट लिंक है, दैट इज चार्ज। तो चार्ज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाकी इसके आगे चलेंगे और एक एक करके एक एक हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।